फोर पैनल पेटीकोट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। पेटीकोट का मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 40 इंच, हिप 36 इंच, वेस्ट 28 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे कि लेंथ किस तरीके से निकालेंगे फॉर्मेट के अनुसार। फुल लेंथ हमारी है 40, लेंथ निकालने का जो तरीका है वो है फुल लेंथ माइनस बेल्ट माइनस फ्रिल। फुल लेंथ हमारी 40 इंच है, बेल्ट के लिए हम माइनस यहां पे 1.5 इंच करेंगे, फ्रिल के लिए 2 इंच। 40 में से 3.5 माइनस किया तो 36 इंच लेंथ निकल के आई। ध्यान से देखना है हमेशा, पेटीकोट में जब हम लेंथ निकालेंगे तो फुल लेंथ माइनस बेल्ट माइनस फ्रिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये अटैच बाद में करनी होती है जब हम सिलते हैं किसी इस फोर पेटीकोट को। तब सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, लंबाई हमारी 36 है। लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद हमें विड्थ लेनी है। विड्थ लेनी कैसे है? विड्थ ऑफ क्लोथ, जितना हमारे कपड़े का अर्ज है उतना हम ले लेते हैं। अगर हमारे कपड़े का अर्ज डबल है तो हम उसमें अपने अकॉर्डिंग घेरे के लेंगे, और हमारा अर्ज कम है तो हम विड्थ ऑफ क्लोथ यानी कपड़े का अर्ज ले लेंगे। जितना भी हमारे पास होता है 36, 37, 42 उस हिसाब से हम इसकी जो विड्थ है वो रखेंगे। जितनी हमारी लेंथ आई, अब लेंथ का हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। लेंथ हमारी 36.5 यानी 36.5 इंच। नीचे भी जैसे हमने ऊपर विड्थ की लाइन ली है उसी प्रकार उतनी ही हम इसको मिला देंगे। लेंथ 36.5 यानी 36.5 इंच, और ये हमने इसका विड्थ लिया, विड्थ ऑफ क्लोथ। इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें यहाँ पे वेस्ट मिली है 28। वेस्ट में हमें डॉट भी ऐड करनी होती है। वेस्ट में हमें डॉट अपने हिसाब से 1 इंच 1.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो निशान लगाएंगे, सबसे पहले हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, जितना हमारा हिप है उसमें 1 इंच ऐड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया, उसमें प्लस 1 इंच किया तो 10। 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच प्लस 1 इंच हमें मिला 10 इंच। यहां से लेंथ लाइन से निशान लगाएंगे हम 10 इंच पे। इसी प्रकार हम नीचे निशान लगाएंगे 10 इंच पे। इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे।
रेखा से अंदर की तरफ आए हम हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 10 इंच इधर आए 10 इंच हम इधर अंदर की तरफ आए और हमें ये रेखा इस तरीके से हमें मिला देनी है। ये मिलाने के बाद हमें कमर से देखना है कि कमर हमारे 28 है तो 28 के हिसाब से हमें यहाँ पे अपनी डॉट डालनी है। डॉट डालने के लिए ये जो हमारा 10 इंच है यहाँ से यहाँ का इसका सेंटर लेना है। सेंटर जब लेंगे हम इसका यहाँ पे आपका आएगा ये हमारा 10 इंच का सेंटर आ गया 5 इंच ये हमने निशान लगा लिया। ये निशान हमने डॉट का लगाया। डॉट की जो लेंथ रखनी है वो रखने के लिए हमारा फॉर्मेट है डॉट लेंथ। डॉट की जो लेंथ रखनी है हिप डिवाइड बाय 8 प्लस 1.5 इंच। डॉट की लेंथ रखने के लिए हिप को डिवाइड करेंगे 8 से उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे। हिप को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो 4.5 यानी 4.5 इंच। 4.5 इंच में 1.5 इंच प्लस किया इज इक्वल टू 6। डॉट की जो लेंथ निकल के आई वो 6 इंच। इधर से पौना इंच या 1 इंच भी हम रख सकते हैं। इसको मिला देंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ डॉट मेंशन किए हैं उसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे। लेंथ हमने ली है 6 इंच। यहाँ से यहाँ का हमने सेंटर किया 10 का सेंटर किया 5 आया। ये हमारे यहाँ पे सेंटर आया 6 इंच हमने लेंथ ली। जितने डॉट हमने यहाँ पे डाली अगर हमने यहाँ पे पौना इंच ली है तो पौना इंच, 1 ली है तो 1 बराबर ही डॉट हम चारों पैनल में डालेंगे। इस प्रकार जैसे हमने इस पैनल में डॉट डाली है वैसे हमने यहाँ पे डॉट मेंशन किए हैं। इस रेखा का सेंटर किया, सेंटर करके 4 डिवाइड बाय 8 प्लस 1.5 यानी 6 इंच हम लंबी डॉट का निशान लगाएंगे। 1 इंच इधर 1 इंच इधर हम इसको डॉट मिला देंगे ऐसे ही इसमें ही करेंगे। इसके बाद हम ब्लैकेट लेंगे। ब्लैकेट के लिए भी हमारा फॉर्मेट है हिप डिवाइड बाय 8 प्लस 1.5 इंच इज इक्वल टू 6 इंच। ब्लैकेट की जो हमारी लेंथ है वो लेंथ हमारी आई 6 इंच। ये हम यहाँ पे ब्लैकेट शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें शेप देनी है हिप डिवाइड बाय 24, हिप हमारा 36 है, 36 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 इंच। ये जो गोलाई करनी है यहाँ से हम 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। 1.5 इंच में निशान लगाने के बाद हम अपनी इसको गोलाई इस प्रकार से दे देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पे जितनी हमने यहाँ पे निशान लगाया 1.5 इंच हमने यहाँ पे लिया, ये देखो एग्जैक्ट 1.5 इंच पे ही हमने यहाँ पे मार्क लेना है और इसकी भी गोलाई करनी है इसी प्रकार जैसे हमने इस पार्ट की। यहाँ से ऊपर 1.5 इंच और ये 1.5 इंच करके इसका गोलाई करनी है। ये हमारा जो है पेटीकोट की ड्राफ्टिंग हुई। अब हम बेल्ट की करेंगे। बेल्ट के लिए क्या है, बेस्ट हमारी है 28। बेल्ट की जो लंबाई निकालेंगे बेल्ट लेंथ
वेस्ट का हाफ, वेस्ट हमारे 28 है, फिर प्लस करेंगे उसमें 1, हाफ किया 14 आया, प्लस 1 किया तो हमें मिली बेल्ट की लेंथ 15 इंच। 15 इंच हमने बेल्ट की लेंथ लेनी है। जो बेल्ट की विड्थ लेनी है, विड्थ किस हिसाब से, ये यहाँ पे हमने वेफर टर्निंग के लिए माइनस किया था 1.5 इंच, जो हमने 1.5 इंच माइनस किया था फुल लेंथ में से 1.5 इंच माइनस किया था, उतनी ही चौड़ी हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। बेल्ट की चौड़ाई लेने के बाद ये हमारी बेल्ट की चौड़ाई हो गई और ये हमारी लंबाई हो गई। बेल्ट की चौड़ाई हमारी है 1.5 इंच, बेल्ट की जो हमारी लेंथ है, बेल्ट लेंथ हमारी है 15 इंच। यहां पे आप लिख सकते हो ये हमारी बेल्ट है, 1.5 इंच हमारी चौड़ाई है। 1.5 इंच हमने चौड़ाई इसलिए ली क्योंकि हमने 1.5 इंच ही माइनस किया था। अगर हम 2 इंच माइनस करते तो हम बेल्ट की चौड़ाई भी 2 इंच ही लेते। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है टोटल, यहां से यहां तक फुल लेंथ, लेंथ है हमारी 36.5 यानी 6.5 इंच। यहां से यहां तक हमने यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लोथ लिया है, यहां से यहां तक विड्थ ऑफ क्लोथ, ये यहां से और यहां तक हमारा जो फॉर्मेट के हिसाब से हमने निकाला था, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, हमारा आया 10 इंच। यहां से यहां तक भी आप इसी तरीके से सेम, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, ये हमारा 10 इंच। यहां पे आप ऊपर गए थे 1.5 इंच, 1.5 इंच कैसे गए थे, चेस्ट डिवाइड बाय 24 करके ये डाउन आए थे 1.5 इंच इसकी शेप देने के लिए। ये यहां पे यहां तक आप यहां पे इसको जैसे आपने ऊपर मेंशन किया है विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ क्लॉथ, डॉट के लिए हम आए थे हिप, यहां पे आप इसको इसके अंदर लिख सकते हैं हिप डिवाइड बाय 8 प्लस, हिप डिवाइड बाय 8 प्लस हमने यहां पे 1.5 किया, आप 1.5 लिखो 1.5 लिखो, ये यहां तक हमारी लेंथ हुई 1 इंच। 1 इंच हमने डॉट पे डाला, 1 इंच हमने यहां पे डॉट पे डाला। प्लेक्टिक के लिए हमने यहां से यहां तक यहां पे लिया हमने हिप डिवाइड बाय 8 प्लस 1.5, ये यहां से यहां तक हमने लिया है प्लेक्टिक के लिए। हिप डिवाइड बाय 8 प्लस 1.5, हमारा ये है 6। ये हमारी 4 पैनल पेटीकोट की ड्राफ्टिंग बनके कंप्लीट हुई।